हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल IFC नॉलेज के एकदम लेटेस्ट वीडियो में। और दोस्तों अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल के आ रही है वेदर डिपार्टमेंट यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, कई जगहों पर भारी बारिश बाढ़ की संभावना को देखते हुए कई राज्यों में स्कूल कॉलेज और कोर्ट को बंद कर दिया गया है। सरकारी संस्थानें भी बंद कर दी गई है और अगले 48 घंटों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कौन कौन से राज्यों में भारी बारिश आने वाली है, कहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और कहां पर स्कूल कॉलेजों में सरकार के द्वारा छुट्टियां कर दी गई है। तो दोस्तों बने रहे हमारी वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो नीचे आपको एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, वह भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दे दें। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली NCR यूपी में बारिश का अनुमान, असम और बिहार में बाढ़ की स्थिति में हुआ सुधार। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी आज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में एक दो दिन में बारिश की संभावनाएं व्यक्त कर रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से खामोश मानसून के जल्द ही सक्रिय होने का अनुमान लगाया है। एक दो दिन में सूबे के अनेक इलाकों में बारिश होने की संभावना है। अंचलांचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक आगामी 2 अगस्त से प्रदेश में मानसून फिर जोर पकड़ेगा। अगले एक दो दिन राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आ रही है, गुजरात में भारी बारिश, स्कूल कॉलेज व कोर्ट बंद। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है, देश के अधिकतर राज्य मानसून की चपेट में है। बिहार बाढ़ से जूझ रहा है तो दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। गुजरात के कई शहरों में बुधवार को मौसम ने करवट ली और गुजरात के कई शहरों में बुधवार को तेज बारिश हुई। इसके बाद दोस्तों CM विजय रूपाणी ने भारी बारिश के चलते उच्च स्तरीय बैठक की। CM ने स्थानीय प्रशासन को मदद करने के लिए 2 IAS अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। बैठक के दौरान CM रूपाणी ने लोगों को निचले इलाकों से हटने की बात कही है। वहीं भारी बारिश और जल भराव के कारण वडोदरा में गुरुवार को जिला अदालत बंद रहेगी। इसके साथ ही प्रधान जिला जज ने वडोदरा जिले के मुख्यालय में कार्यरत सभी अदालतों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार में भारी बारिश की संभावना व्यक्त करी है। वहीं मुंबई के लोगों को बारिश से थोड़ी राहत मिली है। तो दोस्तों यह थे आज के मौसम समाचार। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।